आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिजर अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज आप सबके सामने आने की वजह है वर्दी में एक कॉलेज है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर 10-12 गुंडे घुस के आ गए जो कि बच्चों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, उन लोगों को धक्का मुक्की करे और उन लोगों के हिजाब वगैरह खींचने की कोशिश करिए, और पुलिस भी आई लेकिन उनको अरेस्ट नहीं करी। इसमें कोई शक नहीं, वो जो है गुंडे बजरंग दल के गुंडे या विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हो सकते हैं या फिर आरएसएस से कनेक्टेड रह सकते हैं या फिर बीजेपी के रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इन लोगों की फितरत है ये हरकत करना। और ये सिर्फ ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ नहीं, ये लोग इस तरीके की हरकत क्रिश्चियनों के साथ भी करे, दलितों के साथ भी करे, सिखों के साथ भी ऐसे हरकत करते रहते हैं ये लोग, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बीजेपी को तो गुनहगार है, उन लोगों की फितरत है ये, इसके साथ मैं कांग्रेस को भी गुनहगार मानूंगा, क्योंकि कांग्रेस, ये मामला तेलंगाना का है, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार है। रेवंत रेड्डी को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, देखिए हैदराबाद में तुम्हारे को कोई खास कोई सीट नहीं आई, लेकिन एक बात याद रखो, तेलंगाना में ऑलवेज मुस्लिम वोटर किंग मेकर रहा, तुम्हारी जीत के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है मुस्लिम वोटर्स है। ये चीज से जो है तुम अगर मुकरना चाहे तो भी नहीं मुकर सकते। और एक चीज याद रख लो, तुम्हारी याददाश्त तो इतनी तो तेज होंगी ना कि अपने उस्ताद का अंजाम याद करो। तुम्हारे उस्ताद जो चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्टेटस पे, बहुत बेहतरीन उरूज पे थे उस वक्त, उन्होंने जो है बीजेपी से अलायंस करे, मुस्लिम वोटर्स, मुसलमान जितने भी वोटर्स थे, मुस्लिम उनके लीडर्स थे, मना करने के बाद भी उन्होंने जो है सपोर्ट करे, उसका हाल क्या हुआ देख रहे ना, बिल्कुल बर्बाद हो गए, यहाँ पे से नामो निशान मिट गया हैदराबाद से उनका। 100 करोड़ भी खर्चा करे तो अगर तेलंगाना में नहीं जीत सकते चंद्रबाबू नायडू, वो हाल हो गया, पूरी पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया तेलंगाना से उनका, ये हाल हो गया। तो तुम जो है वो हाल कर लेने की कोशिश ना को करो। और एक एक चीज बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारे, मैं सुना केसीआर को तुम अच्छी तरीके से पहचानते, बल्कि बेशक पहचानते होंगे, तो उनके बारे में भी, उनका भी क्या हाल है देखो तुम, समझ रहे। और अगर तुम ये सोच रहे मेरे पास मुसलमान के दो चाबियां हैं बस, मैं जो है कुछ भी कर लो, मुसलमान के दो चाबियों से जो है उन लोगों को लॉक में डाल दे सकता हूँ, बल्कि तो ये गलत फहमी में न करो, ये गलत फहमी में न करो। और उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे तो तुम्हारे दोस्त केसीआर का अंजाम देख लो, उन्होंने भी यही सोच लिए थे मेरे पास मुसलमान के दो चाबियां हैं, बल्कि क्या कर लेना कर लिए, सीता तोड़ लिए कर लिए, क्या हाल हो गया। तुम्हारा तो स्टेटस, तुम्हारा तो नाम केसीआर के उतना बड़ा है नहीं, केसीआर एक बहुत फेमस अच्छा पोजीशन पे थे उस वक्त, इस तरीके के हरकत करे, ये हाल हुआ उनका अंजाम। अगर तुम्हारे को ये संभालने नहीं आ रहा तो हट जाओ एक पोस्ट से, जिस तरीके से तुम प्रेसिडेंट पोस्ट से हट गए उसी तरीके से जो है सीएम पोस्ट से हट जाओ। भट्टी विक्रम साहब है किसको, तो अभी दूसरों को जो है सीएम पोस्ट दे दो, समझ रहे ना। अगर तुम इस तरीके के मेंटेन करेंगे तो तुम तो सीएम पोस्ट से जाएंगे, पार्टी बदनाम हो जाएंगी। तुम्हारे को अगर नहीं संभालने आ रहा तो हट जाओ, बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं। ये बात से तुम अगर इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेके अगर मुस्लिम के अगेंस्ट में जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि जो है बीजेपी से तुम मिले हुए हैं, बीजेपी की बी टीम है, बोले जैसा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी की बी टीम है, पूरा बीजेपी को जिताने के पीछे पूरा कमलनाथ का हाथ है, उसी तरीके का यहाँ पे भी हाल चल रहा, बोले जैसा रहेगा। फिर नहीं बोले तो जल्द से जल्द कोई एक्शन लेके बताओ, तुम बता देना ये कि मैं सेक्युलर हूँ, मैं मुसलमान बच्चों के साथ भी जुल्म हुआ तो मेरे को मैं उतना ही जल्दी एक्शन लेता हूँ, और हिंदू बच्चों के साथ किसी के साथ भी जुल्म हुआ तो मैं उतना ही जल्दी एक्शन लेता हूँ, बल्कि समझ रहे। और अगर तुम ये सोच रहे अरे नहीं बीजेपी खिलाफ हो जाएंगे, उन लोगों को इशू मिल जाएगा बोलने का, बल्कि वो चक्कर में तुम जो है मुसलमान बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होते हुए नहीं देख सकते। अभी तुम यंग है, तुम्हारा बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा करियर है, बहुत बड़े पोस्टा मिलने वाले हैं, लेकिन तुम इस तरीके की कोई गलती करके अपनी पॉलिटिकल करियर की ट्रेन को जो है पटरी से नीचे नको उतार लो शुरुआत में ही। शुरुआत में ये हाल हो गया तो चंद्रबाबू नायडू का हो जाएगा, कहीं के भी लायक नहीं रहता वो, उनको आंध्रा का एक सहारा मिल गया, तुम्हारे को मिलता बल्कि क्या गारंटी वैसा टाइप का सहारा, वहां पे भी ये तरीके की गलती करे तो फिर नामो निशान मिट जाता चंद्रबाबू नायडू का वहां से भी, समझ रहे ना। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है जहां तक तुम एक सेकुलर टाइप के इंसान है और मुसलमान को सबको लेके चलते हैं, लेकिन इस तरीके की गलती ना को करो। पहले वनपर्ती में जो भी वो गुंडे हैं उन लोगों को अरेस्ट करने लगाओ, उन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगाओ, समझ लेना। नहीं बोले तो फिर मुस्लिम आपके खिलाफ हो गया तो कहीं से भी नहीं जीत सकते तुम। हैदराबाद से तो हारते हैं, ये सोच रहे कि हैदराबाद में मैं हारा, दूसरी जगह से भी वही हाल होता तुम्हारा, समझे ना। तो वो हिसाब से ये टाइप की गलती ना को करो। मैं हमेशा कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ, कांग्रेस का वोटर रहा हूँ, कांग्रेस के सब तरफदारी में मैं हमेशा बात करा, लेकिन जहाँ पे गलती करते तो मैं बिल्कुल वहां पे अगेंस्ट ठहरूंगा, कांग्रेस के अगेंस्ट में आवाज भी उठाऊंगा, समझ
रहे, बिल्कुल उठाऊंगा। जब मैं गलती करने पे एमआईएम के खिलाफ आवाज उठा सकता हूँ तो कांग्रेस क्या बड़ी बात है, बिल्कुल उठाऊंगा मैं, बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जाऊंगा। ये तरीके के मेरे को मालूम है रेवंत रेड्डी एक सेक्युलर है, लेकिन क्या वजह से ऐसी गलती कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम या कुछ दूसरी बात है, ये पहले इस पे एक्शन लो और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करो, नहीं बोले तो आपका करियर फिर आगे टिकने वाला नहीं है, वही अंजाम होगा जो अंजाम जो है आपके उस्ताद का हुआ, आपके दोस्त के सीआर का हुआ, दोनों का भी जो अंजाम हुआ वही अंजाम होगा आपका। अब रेवंत रेड्डी जी, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे सीएम है, एक अच्छे इंसान है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो वनपर्ति के जो भी बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के गुंडे उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, अभी एक्शन लो, अभी उन लोगों को अरेस्ट करने लगाओ, उन लोगों के ऊपर चार्जेस लगाओ और उन लोगों को अभी अभी जल्दी फास्ट ट्रैक पे सजा दिलाओ। नहीं बोले तो फिर बहुत सारे नाम उठना शुरू होते, देखो आप पे ये बी टीम है वो ये बोल के, तो उस पर अगर आप नहीं कर रहे एक्शन तो ये बात को मैं भी यकीन मानूंगा, फिर आप जो है बी टीम है बीजेपी की बोले जैसा, या फिर बीजेपी से आपकी दोस्ती है या फिर बजरंग दल से आपकी दोस्ती है बोल के, जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मोहम्मद अली शब्बीर साहब कांग्रेस के पुराने लीडर है और कांग्रेस माइनॉरिटी का नाम लेते ही मोहम्मद अली शब्बीर साहब का नाम आता ख्याल में, तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को ही बोलना चाह रहा हूँ ये बात। देखिए शब्बीर अली साहब, आपके ऊपर वैसे ही बहुत डेंटा लगे हुए, बहुत इल्जाम लगे हुए, ये करे मुसलमानों का गलत फायदा उठाए, वो ये कई चीज़ें क्या ऐसे लगे हुए हैं, तो ये वक्त है आप बता देने का, नहीं मैं हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाया, हमेशा मैं जो है चाहे मुस्लिम बच्चे रहो हिंदू बच्चे रहो सबके लिए मैं अगेंस्ट आवाज़ उठाया, मुसलमान बच्चों के साथ मुसलमान लोगों के साथ जुल्म हुआ तो भी मैं आवाज़ उठाया बल्कि, अभी आप जो है आगे बढ़ के उन लोगों को सजा दिला के बता देना, नहीं बोले तो इस पे फिर कोई शक नहीं, ये जो लोग आपको इतने इतने इल्जाम लगा रहे इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है बल्कि। देखिए मैं तो ये वैसी कोई चीज़ नहीं देखा इसलिए मैं यकीन नहीं मानता हूँ, लेकिन क्योंकि कई लोग ऐसे इल्जाम लगाते वैसे बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाते हैं, अब आपका नहीं वक्त है बता देने का कि ये सब इल्जाम झूठे हैं और मैं हक के लिए आवाज कैसा उठाता हूँ, मुसलमानों के लिए कैसा उठाता हूँ और मैं किस तरीके से सेक्युलर आदमी हूँ, देश की बच्चियों के लिए बच्चों के लिए कैसा आवाज उठाता हूँ बल्कि, ये बता देना चाहिए आप, अब ये वक्त है आपका ने, बस बाकी सब आपकी मर्जी, अगर आप नहीं कर रहे बोले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो इल्जामों को यकीन में बदल लेने के वास्ते लोगों के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।